हेलो जी, हाय, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं आया हूँ अमीनाबाद मार्केट में। अमीनाबाद मार्केट को यूपी और लखनऊ का सबसे चीपेस्ट मार्केट कहते हैं। सॉरी, करेक्ट करना चाहूंगा, कहते हैं नहीं, कहते थे, क्योंकि अब बहुत सारे लखनऊ वालों का मानना ये है कि इस मार्केट में अब इतनी बार्गेनिंग बची नहीं है और जो रेट्स हैं वो पहले की तरह इतने सस्ते नहीं रहे हैं। तो आज के वीडियो में जरा यहीं के वेंडर से पता करते हैं कि इस मार्केट में अभी भी सामान सस्ता बचा है या यहाँ बार्गेनिंग होती है कि नहीं। ठीक है, बार्गेनिंग इतनी नहीं होती, लोगों ने बदनाम कर दिया इस मार्केट को। सस्ता भाई, सस्ता, बहुत ज्यादा सस्ता है इस मार्केट में। और अदर मार्केट कहीं आप जाएंगे, यही कपड़े बहुत महंगे मिलेंगे। इतना महंगा नहीं हुआ है सामान, ना ही इतना महंगा बिकता है। 300 रुपए में शूज बिक रहे हैं, 350 रुपए, क्या महंगा है बताइए। मिलता है भाई, अभी भी मिलता, मिलेगा नहीं तो लोग आएंगे कैसे। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ पे 200 का सामान 2000 बताते हैं भाई? वो कस्टमर के ऊपर है ना, उतना मोल तोल करता है। हाँ। कस्टमर ना करे तो हर इंसान चाहेगा एक दाम पे बिके। तो आप लोग 200 वाली चीज 200 बताएंगे भाई? 200 वाली 200 बताएंगे तो कस्टमर मोल तोल नहीं करेगा। तो जब आप लेने आओगे मैं बताऊंगा 40 का है, आप कहोगे 20 दूंगा तो कहाँ से दूंगा। जितना सामान सस्ता नजीराबाद मिलता है, अमीनाबाद मिलता है। हाँ। हमेशा से पहली पसंद रही है अमीनाबाद लोगों की और आज भी है। उसकी वजह यही है कि सबसे सस्ता सामान लखनऊ में अमीनाबाद नजीराबाद में ही मिलता है। जो सामान अदर बाजार इतना बढ़ा हुआ है, हर तरफ बाजार हो रही है, आज भी अमीनाबाद में भीड़ रहती है, कहीं नहीं होती। फिक्स्ड आपने लगा के रखा है तब भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। सर, वो अमीनाबाद, जैसे अमीनाबाद एक माइंड सेट है ना आदमी का कि अमीनाबाद जाना है तो मोल भाव करना है। हाँ। बार्गेनिंग करना है भले वो 50 रुपए आप इसके जो छोड़िए, 10 रुपए छोड़िए, अगर वो मेरे से 100 रुपए की चीज देता है, 125 रुपए मेरा MRP होता है, फिर भी मैं उसको लेस करके देता हूँ 100 रुपए का। हाँ। फिर भी वो देख रहा है कि मैंने लेस कर दिया। हाँ। उसके बाद भी क्या मेरे से भैया 70 दे दीजिए, 80। तो वो सर अमीनाबाद की खास है। ज्यादा मुश्किल किनको होता है, मतलब लड़कियों को संभालना होता है, लड़कों को संभालना? लड़कियों को तो आप भी समझ सकते हैं, अगर आपके पास कोई होगी तो संभालना मुश्किल ही होगा। लेकिन जो है उनको, लेकिन बहुत कायदे से डील किया जाता है। और लड़कियों को आसान मतलब हैंडल करना होता है लड़कों को? नहीं, लड़कों सबसे ज्यादा तो लड़के मान जाते हैं जल्दी। लड़कियाँ 150 ले ली है, जैसे ये कोल्हापुरी हमारी है 450 की बेचते। हाँ। हैं भैया 150 के आगे मिल रही है, आप इतना महंगा बेच रहे हो तो आप लोग बोलते नहीं आगे जाके ले लीजिए? तो ये बोल भाई, ये कह देंगे तो क्या बेचेंगे हम लोग? तो हर कोई बढ़ के आगे आता है कि हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। जिसको एक्सपीरियंस है उनको वही बेच सकता है, बाकी बंदा उनको बेच नहीं सकते। उसमें से मैं कुछ लोगों के नाम भी बता सकता हूँ। सबसे नंबर वन ताहा है, उसके बाद आसिफ है। लड़कियाँ आती है तो सबसे पहले सब उठते हैं। लड़कियाँ शॉपिंग करने आती है, उनका क्या तरीका होता है? लड़कियाँ शॉपिंग करने जैसे अपने हस्बैंड के साथ आती हैं। हाँ। तो जैसे बाहर रुक गई हैं, जैसे उनको नहीं खरीदना है, उनको उनके पति को खरीदना है, तो आएंगी। जैसे लड़के ने किसी ने 500 बता दिए कोल्हापुरी के, तो वो कहेंगी अबे इतनी ज्यादा क्यों बताती है, अमीनाबाद 300 रुपए बताते, 300 भी दे देते हो, अब बताओ तुम थक गए ना कैसे। तो ऐसा इशारेबाजी चलती है? बहुत चलती इशारेबाजी यहाँ, क्या कोई भी दुकान पे आप चले सबसे ज्यादा चलती है ये वाला जो तरीका होता है कि भैया हम जा रहे हैं। हाँ, वो जाएंगी फिर आगे आएंगी, भैया बार बार बुलाइए मत, देना है तो दे दिए, कैसे दे दे तब इतने कम पैसे लगा रहे। अच्छा ये बताइए कि भैया कोई डिस्काउंट मांगने के लिए कहाँ कहाँ तक लोग क्या क्या कर देते हैं? कि ऐसा डिस्काउंट मांगने के लिए बहुत लोग तो ये कह देते कि मेरे पास तो इसमें पैसे नहीं है। बहुत से लोग कह देते पर्स खोल के दिखा देते सर कि मेरे पास तो केवल 200 रुपए पड़े, 250 रुपए की चीज है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ जितने भी आते हैं कस्टमर, किराया भैया किराए के छोड़ दो, किराए का पैसे नहीं, पहले घर से किराया के पैसा निकले तो हम लोग छुड़वा देते हैं ना। हम लोग कहते हैं ना तो भैया हम लोग छोड़ा रहे हैं, गाड़ी हमारी खड़ी रहती है, तुरंत छुड़वा देते हैं। ये भी है कि क्या लड़कियों को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है? नहीं नहीं, उनको ज्यादा महंगा बताया, उसके आधे कर देती है। अच्छा, हम लोगों को तीन गुना बताने वाला। और लड़कों के साथ क्या होता है? लड़कों की शक्ल देख के हम लोग पहचान लेते हैं, एकदम गरीब हो गए ना उनको, तो पहले कम से कम कर तो दोबारा फिर आएंगे। तो चार गुना पांच गुना बताया जाता है, क्योंकि उसका वो दमी निचोड़ के कर देती है ना। कस्टमर डिस्काउंट मांगने के लिए क्या क्या कहते हैं? कस्टमर वो कहता मेरे गरीब में मिल रहा जितने का आप बता रही है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए आप। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पैसा घर में भूल गया हूँ, कुछ लोग कहते हैं अगली बार दे दीजिए। तो सर जो लेडीज लेडीज कैसे करती है? सर लेडीज के बारे में तो मैं कुछ खास नहीं करना चाहूंगा, बस ये कि लेडीज जो आते हैं तो मैं थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ, तो उनको सर समझाना जो है हम लोग के बस की बात नहीं है सर।
सो यार ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश अमीनाबाद की एक रियलिटी चेक देने की कि यहाँ पर सामान अभी भी सस्ता मिलता है, बार्गेनिंग अभी भी होती है। लेकिन यार ये सारी चीजें कस्टमर टू कस्टमर और शॉपकीपर टू शॉपकीपर डिपेंड करती है। तो अगली बार आप अमीनाबाद आना तो जरूर आ जाना, मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं कि सामान सस्ता मिलेगा या महंगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और कई सारी दुकानों पर विजिट करना पड़ेगा। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बता देना।